हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है सुमैया जी के इस कमेंट को। इन्होंने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अश्योर्ड इनकम एक्सेलरेटर प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप इस प्लान को पूरी तरीके से समझना चाहते हो उदाहरण के साथ, तो आप चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। सुमैया जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार ही वीडियो लेकर के आते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना होता है, शेयर करना होता है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना होता है कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके काम आएगा। अब तक जैसा कि आपको पता है कि HDFC लाइफ के संचय प्लस प्लान के चार अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गारंटेड मैच्योरिटी और दूसरा ऑप्शन है गारंटेड इनकम। अगर आप गारंटेड मैच्योरिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये वीडियो आपको देखना होगा। और अगर आप गारंटेड इनकम ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड पर जो थंबनेल है ये वीडियो आपको देखनी होगी। ये दोनों वीडियो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप ये दोनों वीडियो देखेंगे तो मैच्योरिटी बेनिफिट से लेके डेथ बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू, रिड्यूस पेडअप के बेनिफिट भी आपको पता लग जाएंगे। आइए हम जानते हैं संचय प्लस प्लान के लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन के बारे में, जो कि इस प्लान का चौथा ऑप्शन है। बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल की, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके आप पढ़ लीजिए, इससे आपका समय बच जाएगा। बात आती है मिनिमम प्रीमियम लिमिट के साथ में मोड ऑफ प्रीमियम की, तो चारों ही ऑप्शन में वो भी सेम ही है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। हम बात करते हैं सीधे यहाँ पे बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट जो होता है प्लान में किसी भी, वो होता है मैच्योरिटी बेनिफिट, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। तो जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो है रिटर्न ऑफ पेड प्रीमियम, जो भी आपने प्रीमियम पे किया होगा मैच्योरिटी पे वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिलती है गारंटेड इनकम, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है इस प्लान का, या कहें कि बेनिफिट है। आपका पॉलिसी टर्म जैसे ही कंप्लीट होगा उसके एक साल बाद से आपको आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम का एक हिस्सा आपको मिलने लगेगा गारंटेड इनकम के तौर पे। और जो गारंटेड इनकम का रेट है वो डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है और पॉलिसी टर्म क्या है। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ आपको मिल जाता है। उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 35 साल की है, वो लॉन्ग टर्म के लिए गारंटेड रिटर्न वाला प्लान लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 8 साल का पॉलिसी टर्म लिया और 7 साल का लिया यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म, और सालाना वो 1,00,000 रुपए का बेसिक प्रीमियम पे कर रहे हैं, टैक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसे में जो गारंटेड इनकम का रेट होगा वो 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ, मगर 8 साल का पॉलिसी टर्म है और 25 साल का गारंटेड इनकम पीरियड हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, तो 63.25% होगा सालाना प्रीमियम का। तो आपको इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो 30 साल के लिए आप गारंटेड इनकम ले बेनिफिट लें या 25 साल के लिए, हम यहाँ पे 25 साल मान के चल रहे हैं। अब बात आती है डेथ बेनिफिट फैक्टर की, तो वो है 12 अकॉर्डिंग टू द एज। डेथ बेनिफिट फैक्टर को आप सम अश्योर्ड फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि गारंटेड इनकम बेनिफिट क्या होने वाला है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल गया गारंटेड इनकम फैक्टर, पीरियड भी हमें पता चल गया कि 25 साल तक हमें मिलेगा ये बेनिफिट, जो हम उदाहरण ले रहे हैं उसके अनुसार, क्योंकि हमने 30 साल यहाँ पे नहीं चुना है। डेथ बेनिफिट फैक्टर है 12, तो जो सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं 1,00,000 रुपए का, उसमें 12 का गुणा कर देंगे तो 12,00,000 रुपए हो जाएगा, तो सम अश्योर्ड हो जाएगा 12,00,000 रुपए का। टोटल पेड प्रीमियम 7 साल में कितना पे किया जाएगा, 7,00,000 रुपए का। 8 साल का पॉलिसी टर्म है, कंप्लीट होगा 9वें साल के एंड से, आपको यहाँ पे गारंटेड मनी बैक देखने के लिए मिलेगा, राइट। कितना मिलेगा, 1,00,000 का 63.25% निकाल लेंगे तो 63,250 रुपए का ये अमाउंट हो जाएगा, जो इनको सालाना यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा श्रीमान ए को। 25 साल का गारंटेड इनकम पीरियड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 63,250 में 25 का गुणा कर देंगे तो 15,81,250 रुपए का ये अमाउंट हो जाएगा टोटल, जो इनको 25 साल में मिलेगा। इसी के साथ में जैसे ही इनकम पीरियड यहाँ पे खत्म हो जाएगा 25 साल का, तो जो 7,00,000 रुपए का प्रीमियम पे किया था वो भी इनको वापस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्लान में आपको बेनिफिट मिलते हैं। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट हमें पता है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, लेकिन जो डेथ कवर है जिसे हम लाइफ कवर कहते हैं, वो केवल पॉलिसी टर्म के दौरान ही रहेगा, यानी कि 8 साल का पॉलिसी टर्म है तो उसी दौरान रहेगा। मतलब कि गारंटेड इनकम पीरियड के दौरान अगर डेथ होती है तो जो इनकम बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे 63,250 का, वो श्रीमान ए के नॉमिनी को मिलता रहेगा, लेकिन अगर नॉमिनी चाहे तो इस बेनिफिट को एज ए लमसम भी ले पाएंगे। अब मान लेते हैं कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है वो पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने के बाद में हो जाती है, तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या मिलेगा यहाँ पे, एब्सोल्यूट अमाउंट, यानी कि सम अश्योर्ड एब्सोल्यूट अमाउंट जो है इस प्लान में वो इक्विवेलेंट मानी गई है सम अश्योर्ड के, जो कि हमारा 12,00,000 रुपए का है। सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 10,00,000 रुपए,
टोटल पेड प्रीमियम यानी कि 5 साल कंप्लीट हो गए तो 5 लाख रुपए पे कर लिए, 5 लाख कम 105% निकाल लेंगे तो 5,25,000 रुपए। इसका कंपैरिजन किया जाएगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे। इस प्लान में सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान जितना प्रीमियम पे करना था यानी कि 7 लाख रुपए। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ऐड होता है वो ये कहता है इस प्लान में कि जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो कंपनी के पास इकट्ठा हो रहा है उस पे 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर लगा दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से 5,80,191.35 रुपए का अमाउंट ये बैठेगा। कंपैरिजन कर लेंगे तो 12 लाख रुपए का जो सम अश्योर्ड है वही अमाउंट ज्यादा है, यही श्रीमान ए के बेनिफिट को मिल जाएगा एक साथ और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अब बात करते हैं सरेंडर की। मान लीजिए कि श्रीमान ए जो है यहाँ पे पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं पॉलिसी के 5 साल कम्प्लीट होने पे। हमने 8 साल का लिया था पॉलिसी टर्म, राइट, 5 साल कम्प्लीट हो गए हैं तो 50% हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गारंटेड सम अश्योर्ड फैक्टर हो जाएगा। 5 साल में टोटल प्रीमियम कितना पे हो जाएगा, 5 लाख, तो 5 लाख का 50% आप निकाल लेंगे तो 2.5 लाख रुपए का यहाँ पे सरेंडर वैल्यू श्रीमान ए को मिल जाएगा अगर 5 साल कंप्लीट होने पे पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। बाकी इस ऑप्शन में भी आपको रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट मिलता है। अगर आप 2 साल लगातार प्रीमियम पे करने के बाद में प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो ग्रेस पीरियड के खत्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर जितने भी बेनिफिट है प्लान में उस बेनिफिट में रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा यानी कि घटा करके ही आपको बेनिफिट वो मिलेंगे। रिड्यूस पेड अप फैक्टर क्या होगा, 2 तरीके हैं जानने के लिए। जितना प्रीमियम आपने पे कर दिया उसको आप डिवाइड कर दीजिए टोटल जितना प्रीमियम आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान पे करना था, या फिर जितने नंबर ऑफ प्रीमियम आपने पे कर दिए उसको आप डिवाइड कर दीजिए जितने नंबर ऑफ प्रीमियम आपको पे करने थे प्लान में, आपका रिड्यूस पेड अप फैक्टर निकल के आ जाएगा। आपने वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में हम इसके तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करेंगे वो भी उदाहरण के साथ में। अब आपको एक चीज खुद भी समझनी है, दूसरों को भी समझानी है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का टेलीग्राम चैनल।